जी कथा सावन में सुनना चाहिए, भादो में सुनना चाहिए, कुंवर में सुनना चाहिए, कार्तिक में सुनना चाहिए, जनवरी में सुनना चाहिए, फरवरी में सुनना चाहिए, मार्च में सुनना चाहिए, कौन से महीने में सुनना चाहिए और कौन से महीने में किस पक्ष में कथा को श्रवण किया जाता है। हमने कहा ये शिव महापुराण की कथा है, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए ना सावन देखना, ना भादो देखना, ना जनवरी देखना, ना फरवरी देखना, जब तुम्हारा मन करे तब बाबा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने आस्था चैनल पर तुम्हारा दिल कर जाए उस दिन आसन लगाना जमीन पर और बैठ जाना। दो चीजें जमीन पर बैठकर करना चाहिए, एक जीमना, जीमन, जीमना जानते हो, बोलो जम के बोलो जरा, एक जीमन जमीन पर बैठकर करो और एक भजन जमीन पर बैठकर करो। दो चीजें जमीन पर बैठकर करो, एक जीमन भोजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना और भजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना। आसन लगाओ जमीन पर बैठो और भजन करिए, आसन लगाओ जमीन पर बैठो और भोजन करिए, दो चीजें जमीन पर बैठकर करना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे, कर कर देखिएगा। केवल जिसको शुगर हो और शुगर जिसके शरीर में है उसको नियम बना लेना चाहिए कि मैं कुर्सी पर टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में कष्ट है बहू, एक काम कर जमीन पर एक मोटा सा आसन लगा दे, मैं धीरे से बैठूंगा, वहाँ बैठकर मैं खाऊंगा। भोजन करो और भोजन करने के पहले एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई और भोजन करने के बाद एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई, केवल 3-4 दिन खाकर देखो और शुगर का लेवल जांच करवाना, वो लेवल में मिलेगी आपको। भोजन जमीन पर बैठकर करा जाए, भजन जमीन पर बैठकर करा जाए, जमीन का तत्व हमारे शरीर में होगा तो हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करेगा। आजकल तो घर में भी तो बाइयों चप्पल पहने दे भी होन, घर में भी चप्पल पहन रही हैं, रसोई घर में चप्पल, हाल में चप्पल, खुद के कमरे में चप्पल, बाथरूम जाए तो चप्पल, जमीन का तत्व तो शरीर से लग ही नहीं पा रहा, नहीं लग रहा, इसीलिए ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आंखों में चश्मा, ये आ कहां से रहा है? जमीन तत्व मिल कहां रहा है? जमीन तत्व की प्राप्ति कहां हो रही है? घर में भोजनशाला में देखो तो चप्पल, घर में घूम रहे हो तो चप्पल, बाथरूम जाओ तो चप्पल, घर के बाहर गए तो चप्पल, जमीन मिली कहां? बस पलंग से उतरे सामने चप्पल, कई तो ऐसे भी हैं कि मंदिर में जाने के लिए भी ऊन की और उसकी कपड़े की चप्पल बना के रखी, वहां भी चप्पल। अब विचार करिए, भोजन भजन बैठ कर करना प्रारंभ कर दो। जब तुम बैठ कर करोगे थोड़ा सा तुम्हें भले लगेगा कि गुरुजी मेरे को तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने का बोला है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में रोग है। देखो अगर तुम अंदर से बलवान हो ना, अंदर से अगर बलवान हो ना तो बड़े से बड़े रोग को हराने की सामर्थ्यता तुम्हारे ही अंदर है, और अगर तुम अंदर से बलवान नहीं हो तो रोग तुम्हें घेरता चले जाएगा। अंदर से बलवान हो गया ना, शरीर में कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई शरीर के अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्बा को लाइए। क्या लाओगे, जम के बोलो जरा, दुर्बा, दुर्बा देखिए सब लोगों ने, धूप दुर्बा, दुर्बा के नीचे का जो भाग होता है जब आप दुर्बा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता उसमें दुर्बा को तोड़ते हैं तो, जब दुर्बा आप लेकर जाएं देवाधिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्बा का बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्बा को उठा कर लिया, 7 दुर्बा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छी दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्बा प्रतिदिन
खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। और शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, 7 दिन खाकर देखना, धीरे 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 वो दर्द अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। वो दुर्वा का आनंद हमारे जीवन में, क्योंकि भूमि तत्व को हमें मिल रहा है, भूमि तत्व से हमें प्राप्त हो, हम छोड़ दिए। ना हमारा भजन जमीन पर है, ना हमारा भोजन जमीन पर।